व्यापार में आपको किन बातों का ख्याल रखना आवश्यक है, सफल व्यापार के लिए किन बातों को अपनाएं अपने जीवन में। महंगाई के इस दौर में एक सीमित आय के साथ गुजारा करना बेहद मुश्किल है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरी छोड़ अपना व्यापार करना चाहते हैं। हालांकि बिजनेस करना उतना आसान भी नहीं है जितना सुनने में लगता है। सफल बिजनेस के लिए इंसान को बहुत सी चीजें अपनानी और त्यागनी पड़ती हैं, तब जाकर कहीं आप एक सफल व्यापारी बन पाते हैं। आप अपनी इन आदतों से बना सकते हैं अपने व्यापार को सफल। दूसरों से सीखने की कला। देखिए, व्यापार एक ऐसी चीज है जो हर पल आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। व्यापार में मिलने वाले लोगों से आप जितना सीखेंगे उतना ऊपर उठेंगे। अगर उम्र में आपसे कोई छोटा भी है तो उससे सीखिए, क्या पता छोटा होकर कोई आपको बड़ी बात सिखा जाए। पैसे का लेन देन। किसी भी व्यापार में पैसे का लेन देन चलता रहता है, इसलिए आपके पास हर लेन देन का प्रॉपर हिसाब किताब होना चाहिए, ताकि अगर कोई हेर फेर करने की सोचे भी तो आप उसे हिसाब दे सके। जरूरत से ज्यादा काम न फैलाएं। व्यापार करना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा उतना ही करें जितना आपके बस में हो। ज्यादा काम मतलब ज्यादा स्ट्रेस, इसलिए उतना ही काम ले जितना समय पर किया जा सके। जरूरत से ज्यादा आपकी हेल्थ पर असर डाल सकता है। आंख मूंद कर ना करें विश्वास। याद रहे, इंसान धोखा वही खाता है जहाँ सबसे ज्यादा विश्वास होता है, इसलिए व्यापार में भरोसा करें, लेकिन किसी भी इंसान पर अंधविश्वास ना रखें। ब्रेक जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए काम करना जरूरी है, लेकिन उतना ही आवश्यक शरीर को आराम देना है। काम के बीच से थोड़ा सा समय निकाल कर ब्रेक लीजिए और फिर फ्रेश माइंड से काम करें, अच्छा लगेगा। सही पार्टनर का चुनाव। कोई भी बिजनेस तभी आगे बढ़ेगा जब आपका पार्टनर अच्छा हो। अगर बिजनेस पार्टनर सही नहीं होगा तो व्यापार को आगे बढ़ाना मुश्किल है। बिजनेस पार्टनर ऐसा हो जो हर कदम पर आपके साथ चले, चाहे फायदा हो या नुकसान, दोनों चीजों में आपका साथी बनकर सहयोग दे। इसलिए व्यापार करने से पहले सही पार्टनर का चुनाव करें। फंडिंग। देखिए, किसी भी व्यापार के लिए फंडिंग बेहद जरूरी है। आपके बिजनेस के स्तर की शुरुआत अच्छी फंडिंग पर ही निर्भर करेगी। फंडिंग कहां से आएगी और कौन करेगा, इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए। अगर फंड देने के लिए कोई नहीं मिला तो आप बैंक लोन भी ले सकते हैं। ऑडियंस का चुनाव। व्यापार अच्छा चलेगा या नहीं, ये आपकी ऑडियंस पर निर्भर करता है, इसलिए व्यापार हमेशा उसे देख कर ही शुरू करें। अगर बिजनेस के लिए ऑडियंस गलत हुई तो शायद आप उसमें सफल ना हो पाए। रिसर्च जरूरी है। व्यापार में हर दिन नई चीज होती है, इसलिए आपको मार्केट में जाकर उसके बारे में रिसर्च करना जरूरी है। चीजों का अपडेट रहेगा तो व्यापार अच्छा होगा। रिस्क लेने से ना डरें। एक बात याद रखिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें रिस्क लेने का हौसला रखें। व्यापार कर रहे हैं तो रिस्क से ना डरें, क्योंकि जब तक रिस्क नहीं लेंगे आप पुरानी चीजों में लगे रहेंगे, इससे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। इन सब बातों के लिए जरूरी बात यह है कि व्यापार में हमेशा नया करने की सोचना चाहिए। आप हर दिन जितना नया करने की सोचेंगे व्यापार उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही व्यापार बढ़ाने के लिए एक बेहतर रणनीति पर काम करें। व्यापार में एक सफल प्लान जरूरी है, बिना प्लान के काम करने से आपका नुकसान हो सकता है। व्यापार करने वालों के साथ संबंध भी अच्छे रखें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कब कौन आपके काम आ जाए। एक अच्छी सोच के साथ बिजनेस शुरू करें और आगे बढ़ें। बाकी हम फिर यही कहेंगे कि अच्छे व्यापार के लिए अच्छी रिसर्च जरूरी है। रिसर्च करके ही काम शुरू करें। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।